वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 8.4 है त्रिकोण मिति, उसका 5 नंबर का ये 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर बस उसी में से पूछता है, ठीक है। एक चीज अगर आपको त्रिकोण मिति में डाउट हो रहा है ना तो एक ही जगह डाउट हो कि फॉर्मूला कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सबके दिमाग में चलते रहता है। तो फॉर्मूला याद करना भी तो मुश्किल है ना, तो धरने की जरूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट खोल करके चेक कीजिए। फॉर्मूला का जबरदस्त ट्रिक, आपको 1% इसको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आप देखते ही फॉर्मूला याद करने के इतना जबरदस्त तरीका से ट्रिक बनाया गया है। तो बेहतर नंबर लाना है तो एक बार जरूर जाकर के प्लेलिस्ट खोल करके देखिए फॉर्मूला कैसे तैयार किया गया है, किस टाइप का ट्रिक है, एक से एक काल जबरदस्त ट्रिक है। तो बिना देर के पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब है, सब वीवीआई क्वेश्चन है। यहां देखिए दिख रहा है कि इसको बना करके ये ला दीजिए, चाहे इसको बना करके ये ला दीजिए, यानी एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो इसी को कहते हैं LHS और इसको RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हो तो राइट वाला आ जाना चाहिए, ठीक है, या राइट से चल रहे हो तो लेफ्ट वाला आ जाना चाहिए। इसको बनाना शुरू करते हैं। टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा इसमें इस्तेमाल होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो जब टेन बराबर साइन बाई कॉस होता है तो कॉट बराबर का होता है, ये इसका उल्टा होता है, तो इसको उलट दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता है। यही चीज यहां पे देखना है, यहां समझिएगा, यहां से शुरू करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, उसके बाद से बटा है तो ये बटा दीजिए, टेन का वैल्यू ये भर दीजिए, वन माइनस कॉट बराबर इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दे दो, और फिर वही कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, याद कैसे रखिएगा, कॉट का पहले कॉस ही होता है, इसमें भी सीओ और इसमें भी सीओ, और टेन का जब कॉस का पता हो जाएगा तो टेन का उल्टा कर दीजिएगा, बटा वन माइनस टेन का हो जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये दो ठो हिस्सा में तोड़ दिया गया, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, ये तो सही है बट्टा में है, यहां वन मान के बट्टा का घटाव इसका सिर्फ कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसका सिर्फ वन मान के कीजिएगा तो इसको वैसे ही उतारिए ऊपर वाले को, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये एलसीएम हो जाएगा इसका साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका एलसीएम इतना सब हमने कर दिया, इसको भी वैसे ही ऊपर वाले को उतारिए और बट्टा, ये हो जाएगा साइन थीटा, वन मान के जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां देखिए ये दो हिस्सा में है बाबू, एक इधर हिस्सा और एक इधर हिस्सा, और एक हिस्सा में एक दो तीन चार चार चीजें बट्टा में लिखा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक तरीका होता है ऊपर नीचे ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और दोनों बीच वाला नीचे आ जाएगा, तो ऊपर और नीचे ऊपर जाएगा, तो ऊपर भी क्या है साइन है और नीचे भी क्या है साइन है, जब दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर होता है। देखिए कैसे लिखेंगे, अगर हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू में ही जाता है हमेशा, ठीक है। तो जब ऐसे जाएगा तो साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है। और बट्टा जब ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे का हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो बीच में है कॉस थीटा और उसके बाद से क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इतना आपको यहां दे देगा। सेम वैसे ही ऊपर नीचे ऊपर तो कॉस ऊपर हो चला जाएगा, आपका कहा चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा यहां हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए, अभी भी ये दो हिस्सा में, एक हिस्सा इधर से इधर और इधर से उधर, जब तक दो हिस्सा में है हम बट्टा का जोड़ करते रहेंगे, ये बट्टा का जोड़ जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका इसका एलसीएम लेंगे फिर बट्टा का जोड़ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करना है, ये कॉस है ये साइन है और ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे साइन पहले है और यहाँ पे कॉस पहले है, यहाँ कॉस माइनस में है यहाँ साइन माइनस में, दोनों को कोशिश करो कि क्या हो जाए एक जैसा हो जाए। तो काम करते हैं, यहाँ कॉस माइनस में है ना,
कुछ ऐसा कमाल कीजिए कि कॉस माइनस में हो जाए, आई प्लस में हो जाए। तो दो काम कर सकते हैं, या तो यहाँ माइनस से गुणा कर दीजिए तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और नहीं तो माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस यहाँ से बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। आपके पास दो तरीका है, या तो अपने से माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, माइनस में और ये प्लस में, आना ही तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जहाँ भी आएगा, जिसको घटाओ बोलते हैं, घटाओ का सिंबल समझिएगा, पूरा का पूरा पनौती हो, जहाँ लाएगा सब कुछ बदल देता है। इसको वैसे ही उतारते हैं, देखिए कैसे बदल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस थीटा, और इसको वैसे ही लिखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, ऊपर डाल दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो जब माइनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, सब बदल जाएगा। और ये किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा, आई प्लस में हो जाएगा साइन थीटा। जब भी माइनस, देखो हमको सेम टू सेम बनाना है ना, तो जब सेम टू सेम बनाना है, ये माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो इसमें कुछ परिवर्तन करें, जब माइनस बाहर निकालेंगे खुद से कॉमन लेंगे तो सब सिंबल बदल जाता है, जो प्लस माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है, आप बताइए कि ये अच्छा दिखता है, अगर आगे दो तो इसको अच्छा से खूबसूरत देखना हो तो चार माइनस दो लिखो। ठीक है, आखिरकार चार किस में है, प्लस में है, दो किस में है, माइनस में। इसमें भी चार प्लस में है, दो किस में है, माइनस में, तो प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे कर दो, अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, यानी कि जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन प्लस में, प्लस वाला हमेशा आगे रहता है। अरे भाई, प्लस का मतलब होता है कि आप में, आप बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, और माइनस का अर्थ होता है कर्जा में है, एकदम कर्जा में डूबे हुए हैं, तो कर्जा वाले को आगे रह के क्या फायदा है। ठीक है, जो माइनस में है उसे क्या कर दें, पीछे कर दें। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम हो गया, हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया और ये सिंबल माइनस में था तो प्लस में हो गया, प्लस वाला आगे, ये माइनस वाला पीछे। अब इसका एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों पास में आ जाएगा, जब एलसीएम नहीं होता है तो गुणा होता है, ये दोनों एक जैसा है तो ये एक बार लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें और इसमें भाग दीजिएगा तो ये दोनों सेम है कट जाएगा, कॉस कॉस सेम है कट जाएगा, बच जाएगा अकेले साइन, यानी इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बच गया, साइन बच गया। साइन में साइन स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या होगा, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, हो जाएगा साइन का पावर थ्री थीटा प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो इससे ये कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, बच जाएगा कॉस, तो गुणा करने पर कॉस का पावर थ्री क्यूब। याद रखिए, पूरा त्रिकोणमिति में मात्र दो या तीन ही फॉर्मूला आता है, जो ए प्लस बी के द होल क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक फॉर्मूला आपको यहाँ मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला देखिए, ए क्यू इसको मान लीजिए और इसको बी क्यू मान लीजिए, फॉर्मूला होता है पहले ये दोनों को साथ में लिखा जाता है ए माइनस बी। अब बताइए ए माइनस बी जब एक बार लिखा गया तो यहाँ पे तीन ठो था, तो एक ठो ए लिखा गया, एक ठो बी लिखा गया, तो दो ठो बचा ना, तो दो ठो क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, टू ए बी मत लिख दीजिएगा, ए बी लिखिएगा। ठीक है, यही होता है, यहाँ पे देखिए इसको भी बस ये लिख दीजिए, ए स्क्वायर मतलब कि साइन का स्क्वायर, ए माइनस बी पहले लिखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, उसके बाद होता है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बट्टा में जो है वो लिख दीजिए, नीचे जो लिखा गया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो एक जैसा दिख रहा है काट दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। जब कट गया तो यहाँ पे बचेगा क्या, थर्ड स्टेप में देखिएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो वन होता है, क्या होता है, वन, तो दोनों को मिला के वन हो गया, और इधर प्लस बच गया यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, आपको लाना क्या है, सेक और कॉसेक लाना है, वन प्लस तो आ जाएगा ना। एक बात बताइए, प्लस बीच में दिया है, एक बार वन के साथ बट्टा में लिखिए, एक बार इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, तो जब तोड़िएगा तो हो जाएगा वन बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस ये लिखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टा कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। ये हम कैसे लिखे हैं ध्यान से समझिएगा, जब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा और ये भी दोनों इतना ही। वन को एक बार दोनों के साथ, एक बार इसको दोनों के साथ लिख दिया है, ठीक है। ये एक जैसा है तो कट जाएगा, वन आएगा, यहाँ बच गया वन बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्लस, यहाँ प्लस में क्या बचा है वन। अब देखिए तो ये पूरा का बट्टा कॉस थीटा साइन थीटा, तो एक बार एक के साथ कॉस लीजिए, एक बार एक के साथ साइन, तो वन बट्टा कॉस क्या होता है सेक थीटा, और वन बट्टा साइन क्या होता है कॉसेक थीटा। अब प्लस में यहाँ क्या है वन, तो देखिए हम चले थे यहाँ पे एल एच एस से, कहाँ से चले थे एल एच एस से चले थे, और यहाँ पे देखिए तो ये सेम टू सेम आर एच एस आ गया कि नहीं, ठीक है। यानी कि सीधा करके अगर सजा के लिखना होगा तो वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, ये आपका हो गया प्रूव्ड, यानी आर एच एस आ गया, यानी यहां लिख सकते हैं पी आर ओ वी ई डी, यानी कि साबित हुआ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मजेदार, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको देखने को मिल गया, इसको वीवीआई करके आप लिख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज वही 8.4 का। देखिए आपको मैथमेटिक्स आपको बहुत आजाद देता है, आजादी देता है, कैसे फ्री करता है आपको, इसको बना के ये ला दीजिए, चाहे ये बनाइएगा तो ये आ जाना चाहिए, नहीं तो दोनों को बनाते अगर नीचे का दोनों का आंसर सेम हो जाए तो भी आपका अप्रूव्ड होगा। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, ठीक है। आपको इधर से बना, इस बार इधर से चलते हैं, फिर एक बार क्या करेंगे दोनों को बनाएंगे, दोनों तरीके से आप देखिएगा आंसर वही आएगा। एक बार आर एच एस से चलते हैं कि एल एच एस आ रहा है कि नहीं, यानी कि इस बार कुछ अलग करते हैं, ठीक है, कुछ खास करते हैं। देखिए यहां पे आर एच एस क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा वन माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए कॉस के टर्म में फॉर्मूला तो पता है ही, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बटा में यहाँ क्या लिखा है, वन माइनस कॉस ए। एक आपको बात बताइए, यहाँ पे स्क्वायर अगर लगा दे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, और लगाने से फायदा क्या है, हमको लाना है सेक ना, तो वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब बटा में यहाँ नीचे है वो लिख दीजिए, यहाँ देखिए तो कुछ एक जैसा दिख रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये खत्म हो गया, क्या बचा वन प्लस कॉस ए बचा। अब हमको एक बात बताइए, आपको सेक लाना है तो कॉस तो सेक में बदल सकता है ना, यानी वन प्लस वन बटा सेक आप लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर वन बटा सेक होता है, बटा एक मन के बटा का जोड़ कीजिएगा तो हो जाएगा सेक ए, और ये हो जाएगा ऊपर सेक ए अब प्लस में हो जाएगा वन, ठीक है। देखिए तो ये एल एच एस आ गया कि नहीं, एल एच एस, ठीक है, हम आर एच एस से चले थे और ये वाला आ गया कि नहीं। अरे इधर उधर लिखने से कोई मतलब नहीं है, सेक है प्लस में, प्लस में ये वन है, वन है और इधर बटा में है, तो दोनों सेम है ना, तो हम कहां से चले आर एच एस से, अला का दिए एल एच एस, ऐसे भी साबित हो जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी साबित हुआ, ठीक है। अब एक और तरीका से चलते हैं हम लोग, एक बार दोनों को बनाते हैं, और दोनों को बनाने के बाद देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं, तो भी प्रूव्ड हो जाएगा। कैसे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं, इसको भी बनाते हैं इसको भी बनाते हैं, वन प्लस सेक को कॉस में बदले क्योंकि ये नजदीक कॉस में है, ठीक है, तो हो जाएगा वन बटा कॉस ए, अब बटा ये हो जाएगा वन बटा कॉस ए, ठीक है, ये भी बनाते चलते हैं, ये होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये वैसे ही छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट्टा एक मान के बट्टा का इसको क्या निकालिए जोड़ कीजिए, तो हो जाएगा कॉस ए, हो जाएगा कॉस ए प्लस में वन, अब बट्टा वन बट्टा कॉस ए, ये जो बट्टा में था मैंने वैसे ही इसको उतार दिया। इसको स्क्वायर डाल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, अब बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ देखिए अगर इससे ये काट दे हम, कॉस से कॉस ऊपर नीचे कीजिएगा तो भी कट जाएगा, और इससे हम ये काट दे तो इधर क्या बचा है, इधर बचा है कॉस ए प्लस वन,
और इधर बचा है 1 प्लस कॉस ए। तो दोनों तो एक ही चीज लिखा है ना, इधर उधर लिखने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे वही चीज है। तो यहाँ पे क्या हुआ आखिरकार, आर एल एच एस बराबर आया कि नहीं आर एच एस, तो ये भी तो प्रूव्ड हो गया। तो ये इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। देखिए मैथ कहता है कि बेटा तुम आजाद हो, ठीक है, अपना तरीका जो मन करे वो इस्तेमाल करो, बस कोई तरीका गलत इस्तेमाल मत करना। अब जहां प्लस करना है वहां माइनस करोगे तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है, तो वो तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बेहतर नंबर लाने की तैयारी करते हैं।